अब देखा जाए तो यहाँ बस 3 से 4 दिन बाद अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, जहाँ पे अगर हम इस महीने को रिवाइंड करके देखें तो यहाँ हमें बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिले थे, जहाँ पे कुछ स्मार्टफोन्स हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे काफ़ी कम प्राइस में, और इसी के साथ कुछ स्मार्टफोन ने यहाँ हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया। लेकिन यहाँ अगर हम सितंबर की बात करें तो यहाँ हमें अगस्त से भी ज़्यादा कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 15 फोन की लिस्ट है, और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर स्मार्टफोन हमें 15 से 20 हज़ार तक के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। जहाँ पे पहले फ़ोन की बात करें तो वो है Xiaomi का Redmi Note 8 और Note 8 Pro। अब इस फोन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते, मैंने वहाँ पे इस वीडियो की लिंक अपलोड की है। अब इस फोन के बारे में बात करें तो इस फोन से रिलेटेड बहुत सारे लीक्स और रूमर्स हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स कंफर्म हो गए थे। तो देखा जाए तो इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस हमें देखने को मिलेगा, और इसी के साथ काफी इम्प्रूव डिजाइन हमें इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली बहुत सिमिलर है Redmi K20 Pro से। और इसी के साथ यहाँ हमें स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पे पहले यहाँ मीडियाटेक का हीलियो इस फोन में कंफर्म हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्रोसेसर एक्चुअली चाइनीज वेरिएंट में रहेगा, जहाँ पे इंडिया में हमें स्नैपड्रैगन का 665 देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो एक्चुअली ये फोन काफी अच्छा अपग्रेड है Redmi Note 7 Pro से, जहाँ हमें काफी इम्प्रूव डिजाइन और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। नंबर 2 पे जो फोन हमारी लिस्ट में है वो आता है Vivo की तरफ से, जो कि है Vivo Z1 Pro का सक्सेसर Vivo का ZX Pro। अब यहाँ देखा जाए तो Vivo Z1 Pro एक्चुअली जुलाई में लॉन्च हुआ था, जहाँ पे हमें काफी ज्यादा फीचर्स मिले थे और वो भी बहुत कम प्राइस में, और इसी के साथ अगर देखे तो Vivo इसी का अपग्रेडेड वर्जन सितंबर में लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे हमें अगेन ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो मेन कैमरा सेटअप होगा वो एक्चुअली 48 मेगापिक्सल का होगा, और इसी के साथ यहाँ हमें सेम स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और साथ में यूएसबी टाइप सी भी हमें देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो Vivo ZX Pro बहुत सिमिलर फोन है Vivo Z1 Pro से, लेकिन यहाँ हमें कैमरा सेटअप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, और इसी के साथ Vivo ZX Pro में हमें यूएसबी टाइप सी देखने को मिलता है, जो कि Z1 Pro में नहीं था। और रिसेंटली यहाँ एक और लीक सामने निकल के आता है, जहाँ इस फोन की एस्टिमेटेड प्राइस 20,000 से कम बताई जा रही है, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा Vivo की तरफ से। अब बात करें नंबर 3 के फोन की, तो यहाँ आपको काफी अनएक्सपेक्टेड नाम सुनने को मिलेगा, जो कि है लेनोवो। तो आपने बिल्कुल सही सुना कि जहाँ पे जो अपकमिंग स्मार्टफोन है वो लेनोवो की तरफ से होगा, जो कि होगा लेनोवो का K Note 10। अब लेनोवो ब्रांड की बात करें तो यहाँ रिसेंटली लेनोवो मोटरोला को टेक ओवर करके उनके नाम से स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर रहा था, जहाँ पे हमें काफी सारे फोन देखने को मिले मोटरोला की तरफ से। लेकिन अगर हम सिर्फ लेनोवो की बात करें तो जो उनका लास्ट फोन इंडिया में लॉन्च हुआ था वो था लेनोवो का K9 Note, जिसके बाद इंडिया में लेनोवो का फोन हमें देखने को ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ रिसेंटली ये न्यूज निकल के आ रही है कि लेनोवो जल्दी उनका नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा लेनोवो का K10 Note। तो देखते हैं लेनोवो का कमबैक कैसा रहेगा और क्या वापस से लेनोवो अपनी मार्केट पोजीशन को इंडिया में अचीव करेगा या नहीं। अब बात करें नेक्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की, तो वो आने वाला है सैमसंग की तरफ से, और देखा जाए तो यहाँ सैमसंग सितंबर में A सीरीज के 2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A50s और A30s। जहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ही फोन अपग्रेडेड वर्जन है सैमसंग गैलेक्सी A50 और A30 के। अब यहाँ देखा जाए तो गैलेक्सी A50s में हमें कैमरा सेटअप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पे इस बार 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि पहले 25 मेगापिक्सल का हुआ करता था। और इसी के साथ सेल्फी कैमरा में भी हमें अपग्रेड देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि पहले 25 मेगापिक्सल का होता था। और इसी के साथ अगर हम गैलेक्सी A30s की बात करें तो इस फोन में हमें कैमरा के साथ साथ प्रोसेसर में भी अपग्रेड देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें डुअल कैमरा की जगह ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और इसी के जगह यहाँ हमें एक्सिनोस का 7885 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा अपग्रेड रहेगा अगर इस फोन की प्राइस पहले जितनी ही रही तो। अब यहाँ नेक्स्ट फोन की बात करें तो वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो का रेनो 2, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग और अपग्रेडेड फोन है ओप्पो रेनो से। अगर हम रेनो 1 की बात करें तो आप सभी को ये फोन के बारे में पता ही होगा, बिकॉज यहाँ ओप्पो ने इतनी मार्केटिंग की थी इस फोन के ऊपर, जहाँ पे अगर हम कोई भी यूट्यूब वीडियो पे देखते थे तो इस फोन की एड हमें देखने को मिल जाती थी, जहाँ पे एक लड़की अपने आप चिड़िया के पास पहुंच जाती थी और फिर तो बेसिकली देखा जाए तो ओप्पो रेनो 1 में हमें काफी अच्छा ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, जिसके साथ हमें एक पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता था, जो कि 10x तक का ऑप्टिकल जूम हमें देता था, जहाँ पे जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी रहती थी वो काफी क्लियर और क्रिस्प रहती थी। और अभी इसी का नेक्स्ट वर्जन हमें देखने को मिलेगा सितंबर के महीने में, जहाँ पे ओप्पो रेनो 2 में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 20x तक का जूम हमें देगा। लेकिन सैडली यहाँ हमें कोई पेरिस्कोप लेंस देखने को नहीं मिलता, इसके बजाय यहाँ हमें 5x तक का डिजिटल हाइब्रिड जूम देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल 20x तक का
आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर पे जूम फोटो हमें देगा। इसी के साथ अगर फोन के स्पेक्स की बात करें तो यहाँ हमें स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसी के साथ यहाँ हमें 8GB तक की रैम देखने को मिलेगी, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ओप्पो इसे किस प्राइस पे लॉन्च करेगा। अब बात करें नेक्स्ट फोन की तो हमें देखने को मिलता है नोकिया की तरफ से, जो कि है नोकिया का 7.2। जहाँ अगर हम इस फोन की बात करें तो यहाँ इसके कैमरा से रिलेटेड एक लीक निकल के आता है, जहाँ हमें सर्कुलर डिजाइन का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि काफी सिमिलर रहेगा नोकिया के 1020 कैमरा के डिजाइन की तरह। इसी के साथ अगर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ हमें स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पे 8GB तक की रैम देखने को मिलेगी। और इसी के साथ नोकिया की ब्रांड वैल्यू हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी है वो हमें काफी अच्छी मिलती है। और इसी के साथ एंड्रॉइड 1 का सॉफ्टवेयर हमें इस फोन में देखने को मिलता है, मतलब इस फोन में हमें अपडेट्स काफी इजीली और काफी जल्दी मिलेंगे। तो देखते हैं नोकिया का 7.2 कैसा रहेगा, जो कि मिड सितंबर में हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ देखा जाए तो ऑनर की तरफ से भी हमें न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे ऑनर या अपनी एक्स सीरीज के दो स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जो कि होंगे ऑनर का 9X और 9X प्रो, जहाँ पे हमें दोनों ही फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और इसी के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे जो ऑनर 9X है वहाँ हमें 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और वही 9X प्रो में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस फोन में हमें किरिन का 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी बेहतर और स्मूथ परफॉर्मेंस हमें देगा, बिकॉज किरिन 810 एक प्रीमियम मिड लेवल चिप है, जहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 710 और 712 से भी फास्ट बताई जा रही है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि ये दोनों ही फोन हमें 20,000 के अंदर मिलेंगे, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब बात करें नेक्स्ट फोन की तो वो है रियलमी की तरफ से, जहाँ रियलमी ने रिसेंटली रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो को लॉन्च किया था, जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी थे। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ हमें और एक रियलमी का स्मार्टफोन सितंबर में देखने को मिलेगा, जो कि फ्लैगशिप फोन होगा रियलमी की तरफ से, जहाँ हमें स्नैपड्रैगन का 855 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम होगा किसी भी फ्लैगशिप फोन में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो एक्चुअली इस फोन की प्राइस है, जहाँ पे रियलमी के सीईओ माधव सेठ उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो रियलमी का फ्लैगशिप फोन होगा वो काफी कम प्राइस में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये फोन डायरेक्ट कम्पीट करेगा रेडमी के 20 प्रो के साथ, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखा जाए तो अब तक हमने लिस्ट में सारे एंड्रॉइड फोन देखे, लेकिन इसी के साथ यहाँ सितंबर में एप्पल का नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाला है, जो कि होगा एप्पल का आईफोन 11 और 11 प्रो। अब देखा जाए तो ये फोन ऑलमोस्ट एक साल से रूमर्ड था, जहाँ पे हमें इस फोन से रिलेटेड काफी सारे डिजाइन लीक्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिले थे। और देखा जाए तो फाइनली एप्पल इसे सितंबर के महीने में लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे आईफोन XS से, स्पेशली कैमरा में, बिकॉज यहाँ फर्स्ट टाइम एप्पल ट्रिपल कैमरा सेटअप को यूज करने वाला है, जहाँ पे इसका डिजाइन भी लीक हो गया है। और इसी के साथ फोन में हमें एप्पल का A13 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफी इंप्रूव है A12 बायोनिक से। और इसी के साथ अगर हम इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो पता नहीं शायद इस बार एप्पल 200,000 की प्राइस पॉइंट भी क्रॉस करते। अब बात करते इस लिस्ट के लास्ट फोन की, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, जो कि है OnePlus का 7T। अब देखा जाए तो OnePlus यहाँ हर साल अपने दो फोन्स को लॉन्च करता है, जहाँ पे उनका एक नॉर्मल वेरिएंट रहता है और वही दूसरा टी वेरिएंट रहता है, जो कि ऑलमोस्ट सितंबर के महीने में लॉन्च होता है। लेकिन अगर हम इस बार देखें तो यहाँ OnePlus ने दो फोन्स को साथ में लॉन्च कर दिया था, जो कि था OnePlus 7 और 7 Pro। जहाँ पे देखा जाए तो टी वर्जन में भी हमें दो फोन देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो OnePlus 7T का कैमरा डिजाइन लीक हुआ था, जहाँ पे हमें राउंड कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ हमें लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ अगर हम 70 प्रो की बात करें तो यहाँ हमें वही सेम डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ हमें फुल स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा वो और भी कम होगा, और इसी के साथ हमें वही पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ फाइनली देखा जाए तो काफी ज्यादा और इंटरेस्टिंग फोन हमें सितंबर के महीने में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अब देखना ये होगा कि कौन सा फोन सबसे कम प्राइस में हमें सबसे ज्यादा फीचर प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप पर्सनली कौन से फोन के लिए एक्साइटेड हो और कौन सा फोन आपको पसंद आया। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।